ये कहानी आपके होश उड़ा देगी, ये आपको हिला कर रख देगी। आप सभी डोनाल्ड ट्रंप को जानते हैं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति। वह एक बड़े विवाद में फंस गए हैं और जल्द ही गिरफ्तार भी हो सकते हैं। क्या हुआ? ट्रंप का अफेयर था, उन्हें चुप कराने की उनकी कोशिश अब खुल कर सामने आ गई है। इन लड़कियों को अवैध रूप से चुप रहने के पैसे देने के मामले में भी ट्रंप हिरासत में लिए जा सकते हैं, कोर्ट ट्रायल भी होगा। क्या हुआ ये जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। 2006 में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति नहीं थे, लेकिन एक प्रमुख रियल एस्टेट टाइकून थे। उन्होंने अपनी तीसरी पत्नी से शादी की थी और उनका बैरन नाम का 4 महीने का बेटा था। उस वक्त उनकी उम्र 60 साल थी। उस वक्त ट्रंप 27 साल की स्टॉमी डैनियल्स को डेट कर रहे थे। डैनियल्स पॉर्न स्टार थी और ट्रंप का उनके साथ अफेयर था। ट्रंप ने उसके साथ सेक्स किया और दिल खोलकर उसके शरीर का इस्तेमाल किया। उनका एक अभिनेत्री और पूर्व प्लेबॉय मॉडल कैरन मैकडगल के साथ भी संबंध था। मेलेनिया से शादीशुदा होने के बावजूद ट्रंप कई महिलाओं के साथ अफेयर कर उसे धोखा दे रहे थे। एक दिन कैरन मैकडगल ट्रंप के साथ अपने रिश्ते के बारे में अपनी कहानी प्रकाशित करना चाहती थी। प्रकाशक सहमत हुए जब ट्रंप को इसकी भनक लगी। मैकडगल को भुगतान किया गया और अपना मुंह बंद रखने की धमकी दी गई। इसके लिए मैकडगल को $1,000 का भुगतान किया गया था। इसे स्टॉर्मी को ट्रंप के साथ अपने संबंध का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। 2011 में स्टॉर्मी ने ट्रंप के साथ अपने संबंध के बारे में एक टेल ऑल इंटरव्यू के लिए टच मैगजीन से संपर्क किया। मैगजीन ने इसके लिए उन्हें $15,000 देने का वादा भी किया था। उससे जानकारी ली गई, लेकिन पैसा कभी नहीं दिया गया और कहानी भी कभी प्रकाशित नहीं हुई। मैगजीन कहानी प्रकाशित कर ट्रंप के प्रकोप का सामना नहीं करना चाहता था। ट्रंप के वकील माइकल कोहेन ने स्टॉर्मी को अपना मुंह बंद रखने की धमकी दी और उसे कुछ भुगतान भी किया। फिर 2016 में ट्रंप और कोहेन को एहसास हुआ कि अगर डैनियल ने अपना मुंह खोला तो ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव हार जाएंगे। ट्रंप के आदेश पर कोहेन ने डैनियल्स को $1,30,000 का भुगतान किया। भुगतान कोहेन के निजी बैंक खाते से किया गया था। इस प्रकार स्टॉर्मी चुप हो गई। जब ट्रंप राष्ट्रपति थे तो उन्होंने कोहेन को अपने व्यक्तिगत खाते से मासिक $35,000 के चेक की प्रतिपूर्ति की और उन्हें अतिरिक्त नकद भी दिया। अब 2018 में चलते हैं। माइकल कोहेन को कर चोरी और वित्तीय धोखाधड़ी के लिए गिरफ्तार किया गया था। कोहेन को चुनाव अभियान के वित्तीय उल्लंघन का भी दोषी पाया गया था। पूछताछ करने पर उसने ट्रंप के आदेश पर चुपके से पैसे देने की बात भी कबूल की।
उसे 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई। मार्च 2023 में कोहेन को गवाही देने के लिए बुलाया गया था। कोहेन ने सब कुछ बता दिया। डैनियल्स ने अपनी किताब फुल डिस्क्लोजर में ट्रंप के साथ अपने यौन संबंध का जिक्र किया है। पुस्तक कुछ समय पहले ही प्रकाशित हुई थी। डैनियल्स ने कहा कि ट्रंप के एक अंगरक्षक ने उन्हें ट्रंप के पेंटहाउस में ट्रंप के साथ डिनर करने के लिए आमंत्रित किया। वे सेक्स करने के लिए आगे बढ़े। स्टॉमी ने कहा कि ट्रंप का शरीर सिकुड़ा हुआ है और प्रतिकारक था। यह उसका अब तक का सबसे कम प्रभावशाली सेक्स था। उसने किताब में अपने यौन संबंध के बारे में सभी विवरण दिए। कोर्ट केस 2018 से चल रहा है। मार्च में कोहेन ने 3 घंटे की गवाही दी और सभी तथ्यों का खुलासा किया। स्टॉमी ने सवालों का जवाब दिया और खुद को गवाह के तौर पर उपलब्ध करने के लिए तैयार हो गई। अब डोनाल्ड ट्रंप पर आपराधिक आरोप लगाया गया है। आश्चर्यजनक, डोनाल्ड ट्रंप आपराधिक आरोपों का सामना करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे। कितनी शर्म की बात है। ट्रंप पर आधिकारिक तौर पर आरोप लगाया गया है। स्टॉर्मी डैनियल्स विवाद के बीच फिलहाल ट्रंप 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। वह डैनियल्स के साथ संबंध से इनकार कर रहे हैं, लेकिन जबरन वसूली का शिकार होने का दावा करते हुए कोहेन को भुगतान करने की बात स्वीकार की है। कुछ भी स्पष्ट नहीं है। हालांकि ट्रंप ने चुप रहने के लिए पैसे दिए हैं और ये गलत है। आगे क्या होगा? क्या ट्रंप आरोप स्वीकार करेंगे? क्या वह मामले पर पर्दा डालेंगे? क्या वह उसे चुप कराने के लिए और पैसे देंगे? क्या लोग उन्हें राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार करेंगे? कोई नहीं जानता। अपडेट का इंतजार करते हैं।